सरकार ने विकलांग पेंशन योजना बनाई है ताकि विकलांगजनों का भरण पोषण हो सके, परंतु बहुत अफसोस की बात है कि सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के हिसामुद्दीनपुर गांव के निवासी सुनीला सहित 5 लोगों का विकलांग पेंशन न बनने से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपके शरीर में क्या समस्या है? मैं शरीर विकलांग मेरा हाथ है। क्या आपका विकलांग पेंशन बना है? जी नहीं। विकलांग पेंशन बनवाने के लिए आपने क्या प्रयास किया? हमारे पापा ने 2 साल पहले प्रधान से कहा था, प्रधान ने कहा कि हो जाएगा, मगर अभी तक नहीं हुआ। आपका पेंशन बन जाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा? हमारा पेंशन बन जाए कि हम घर का खर्चा चला सकें और पढ़ाई भी कर सकें, फीस जमा कर सकें और भी कपड़ा खरीद सकते हैं। हमारे हिसामुद्दीनपुर में 5 लोग विकलांग हैं और उनको भी मिले, हमको भी मिले। विकलांग आप कितने दिन से हैं? बचपन से। तो आपको विकलांग से होने से क्या क्या समस्या हो रही है? दूरे जा नहीं सकते, चल नहीं पाई थे दूरे तक, और जैसे छोले वोले गन्ना तो ला नहीं पाई थे। तो आपके ग्राम सभा में कितने विकलांग और हैं जो 5? आपके शरीर में क्या समस्या है? हाथ मार काम नहीं कर करते अभी तक। तो क्या आपका विकलांग पेंशन बना है? नहीं। विकलांग पेंशन बनवाने के लिए आपने क्या प्रयास किया? प्रधान के हम दिए वाली कागज, हमारे कागज प्रधान हिरवा के बैठने, हमारे कागज नहीं देते हैं। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि सभी लोगों का विकलांग पेंशन बने ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अपील है कि आप लोग सिद्धार्थनगर जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिनका मोबाइल नंबर है 87-65-77-74-62 पर कॉल कर दबाव बनाकर हमारी मदद करें। मैं ब्रह्मजीत, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।